नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपको ई श्रम कार्ड में कुछ करेक्शन या चेंजेस करना हो तो वो कैसे कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आप अपने मोबाइल या पीसी के द्वारा ई श्रम कार्ड घर बैठे कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर ई श्रम कार्ड बनाते समय हमसे कुछ गलती हो जाती है तो वो हम बाद में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक बने रहिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर हम ई श्रम कार्ड का जो ऑफिशियल साइट का लिंक है हम वो ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे हम ई श्रम का ऑफिशियल साइट का लिंक ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाता है, और यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पे आधार लिंक मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर डाल देते हैं। दोस्तों, जैसे हम आधार लिंक मोबाइल नंबर डालते हैं उसके नीचे देखिए कैप्चा दिख रहा है, तो इसे भी हम प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों नीचे जो दो ऑप्शन दिख रहा है उसमें हम नो नो सेलेक्ट करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाता है और हम इसे फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आधार नंबर मांगता है, तो हम यहाँ पर अपना आधार नंबर भी डाल देते हैं और आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट बटन पर दोबारा से क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाता है, जैसे कि हमारा ई श्रम कार्ड पहले से बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड यूएन कार्ड दिख रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ई श्रम कार्ड जो पहले से बना हुआ है वो डाउनलोड हो जाएगा। और बाकी अगर हमें कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो लेफ़्ट साइड में देखिए अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे और अंदर हमें जो भी चेंजेस या करेक्शन करने हैं वो हम कर सकते हैं। तो हम जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सब अलग अलग कैटेगरी की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस है, एजुकेशन एंड इनकम है, और ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स है, बैंक अकाउंट डिटेल्स है, एंड लास्ट में जो ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों प्रीव्यू प्रोफाइल। हम यहाँ पर पहले करेक्शन करेंगे फिर यहाँ पर प्रीव्यू कर लेंगे कि हमने जो अपडेट किया है वो अपडेट हुआ है कि नहीं। तो जैसे कि हमें ऑक्यूपेशन एंड स्किल चेंज करना है तो हम इसे क्लिक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑक्यूपेशन एंड स्किल हमने जो पहले से रखा था वो कारपेंटर रख दिया था, तो हम इसे चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमें फॉर्म रखना है, मतलब किसान रखना है, तो हम यहाँ पर फॉर्म डालेंगे तो वैसे तो नहीं आएगा। तो हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि आप ऊपर जो पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे कल्टीवेटर क्रॉप सेलेक्ट किए, तो यहाँ पर देखिए आ गया है, ठीक है। तो ये हम सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर एक्सपीरियंस कितने साल का है इस फील्ड में तो हम वो भी सेलेक्ट कर लेते हैं। और बाकी ये जो नीचे है स्किल वगैरह, तो ये हम फॉर्मल जो ट्रेनिंग वगैरह है अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे दोस्तों सेलेक्ट करने के उसके बाद अपडेट बटन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने जो भी डिटेल्स अपडेट की है वो अपडेट हो चुकी है या नहीं, उसके लिए हमें प्रीव्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें चेक कर लेना है। जैसा कि देखिए हमने जो ऑक्यूपेशन डिटेल चेंज किया था वो यहाँ पर देखिए चेंज हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से अपना जो भी डिटेल्स आप ई श्रम कार्ड पर चेंज करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। तो हम इसे अभी चाहिए तो प्रिंट मार सकते हैं, नहीं तो बैक कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इसी तरीके से आप एड्रेस चेंज करना चाहते हो एड्रेस चेंज कर सकते हो, बैंक अकाउंट डिटेल चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर, पर्सनल डिटेल चेंज करना चाहते हो वो यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद अपडेट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप प्रीव्यू प्रोफाइल पर जाके चेक कर सकते हो कि आपका जो भी डिटेल्स आपने अपडेट किए वो अपडेट हो चुकी है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने अपना जो ऑक्यूपेशन एंड स्किल का जो डिटेल अपडेट करना था हमने वो कर लिया है। तो अब गो बैक पे क्लिक कर लेते हैं।
और चेक कर लेते हैं दोस्तों कि हमारा ई श्रम कार्ड पे जो पहले डिटेल्स था कारपेंटर का वो अभी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है या नहीं, वो चेक कर लेते हैं। डाउनलोड यूएन पे क्लिक कर लेते हैं चेक करने के लिए। दोस्तों जैसे हम डाउनलोड यूएन पे क्लिक करते हैं, देखिए कुछ इस तरह के लास्ट में देखिए हमारा जो ऑक्यूपेशन एंड स्किल था वो चेंज हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब इसे हमें अगर चाहिए तो दोबारा से हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं और इसका कार्ड वगैरह जो भी बनाना है हम इसे प्रिंट करके अपने पास रख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा मेरा कार्ड डाउनलोड हो चुका है तो हो गया दोस्तों, इसे हम गो बैक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करना है दोस्तों आप इसी तरीके से ई श्रम कार्ड में करेक्शन या चेंजेस कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।